नमस्कार, मौसम विज्ञान समाचार के ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। मौसम विज्ञान समाचार में आज बात होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल से लेकर जून तक के लिए तापमान का पूर्वानुमान जारी किया। अप्रैल में उत्तर पश्चिम भारत में होगी सामान्य से अधिक बारिश। 6 से लेकर 9 अप्रैल के बीच फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना। 2 दिन बाद देश के मध्य और पूर्वी भारत में बढ़ेगा तापमान, लू चलने की संभावना। अब जानते हैं मौसम विज्ञान समाचार को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इनसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट के बारे में। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया मौसम एजेंसी द्वारा सप्ताह में जो तापमान दर्ज किया जाता है इनसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल का वे ताज़ा अपडेट रविवार को जारी करता है, जिसके अनुसार नीनो 3.4 क्षेत्र प्रशांत महासागर के क्षेत्र में 1.05 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए गए हैं। लगातार मजबूत अलनीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में बनी हुई है, जबकि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ने लगा है। इंडियन ओशन डाइपोल मजबूत पॉजिटिव स्थिति में पहुंच चुका है। हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह रविवार को 0.91 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान समाचार में अब बढ़ते हैं आगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कल अप्रैल से लेकर जून तक तापमान के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इस साल देश के अधिकतर भागों में भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं अप्रैल में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी तूफान के साथ बारिश होने की भी संभावना है। अगर तापमान की बात की जाए तो अप्रैल से लेकर जून तक राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से लेकर जून तक गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तटीय इलाकों, कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र में भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अप्रैल के लिए बारिश का अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार देश के कई भागों में सामान्य से कम बारिश होगी और कई भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो 88 से लेकर 112% यानी सामान्य बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश संभव है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में सामान्य बारिश झारखंड, पश्चिमी तटीय इलाकों, गुजरात के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान समाचार में आप जानते हैं मौसम के ताज़ा पूर्वानुमान के बारे में। ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार सप्ताह के आखिर में देश के कई भागों में फिर से प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होगी। 4 अप्रैल को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं मध्य भारत तक पहुंचेगी। इसके चलते कर्नाटक, विदर्भ, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ बन सकती है। इसके चलते 6 अप्रैल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ भागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के कई भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर तेज तूफानी हवा के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा क्षेत्र में भी गरज के साथ बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी भाग तक भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, तेलंगाना में 9 से लेकर 11 अप्रैल के बीच गरज चमक के साथ बारिश होने, तेज हवा चलने की भी संभावना है। अब बात करते हैं तापमान की। देश के उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मध्य भारत तक तापमान में गिरावट आई है, लेकिन 2 दिन के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में तापमान बढ़ेगा और लू चलने की संभावना है कई स्थानों पर। इस समय तेलंगाना, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड में तापमान सामान्य के मुकाबले अधिक बना हुआ है। मौसम समाचार में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।